नमस्कार साथियों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेदा इमोर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज नेत्र रोगों की श्रृंखला में हम जानेंगे भेंगापन या स्ट्रैबिस्मस के विषय में। इसमें व्यक्ति को धुंधला या डबल दिखाई देता है, दोनों आँखों से सेम टाइम पर नहीं देख पाता है। इसका कारण है वीक मसल्स का होना। दोनों नेत्रों में जो मूवमेंट है वो एक साथ नहीं हो पाता है। तेज धूप में या एक आँख से देखने पर उसे तकलीफ होती है। इसके लिए व्यक्ति को एक पेंसिल को दोनों आँखों के द्वारा ऊपर नीचे आजू बाजू करके फोकस करने की एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके अलावा विटामिन सी युक्त भोजन लेना चाहिए, जिससे कि कोलेजन और जिंक जैसे मिनरल्स प्रोटेक्ट रहें। साथ ही साथ डायरेक्ट आंखों पर लाइट ना पड़े। मटर, फलीदार सब्जियां, अनाज, श्वेत मीट यानी लीन मीट, इनका उपयोग करना चाहिए। यदि तकलीफ हो गई है तो उसके लिए व्यक्ति को मस्तिष्क पर शुद्ध बादाम रोगन के तेल की मालिश करना चाहिए। खाने में 7 बादाम पानी में भिगोकर सुबह छील कर अच्छी तरह से पत्थर पर रगड़ कर पीस लें और उसमें 7 दाने काली मिर्च मिलाकर फिर सेवन करें। यदि यह परेशानी हो गई है तो उस समय आप किन किन चीज़ों का परहेज करेंगे, जैसे कि धूल और तेज धूप से तो बचना ही है, उसके अलावा खाने में बाधिकारक चीज़ें जैसे बैंगन, गुड़, चने की दाल, मिठाई, इनसे बचना है। इस तरह से इन चीज़ों का उपयोग करें और अपनी तकलीफों को दूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई नई जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार।